अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आज 17 मई है, अभी सुबह के ना 6:30 हुए हैं। शंकी कह रहा मुझे रूह अफ़ज़ा बना के दो, अभी मैं उसको पानी दिया शंकी को, मैं ग्राउंड ले गया था, थोड़ी देर ही खोला है। इसके पीछे ना डॉगी पड़ गया था, पिछली वीडियो में जो जिनके पीछे पड़ा था ना उनमें से एक डॉगी आ जाया था, वो ना इसके पीछे पड़ गया था, दीवार पर चढ़ गया। मैंने ये मेरे पास आ गया तो मैंने इसको बेड डाल दिया, तो मैं इसको थोड़ी देर ग्राउंड में फिर खिलाया और अब मैं इसको ले आया हूँ। इधर पानी छानी डाला, पर अभी ये रूह अफ़ज़ा मांग रहे थे, बॉटल फेंके हैं यहाँ पे, इसको रूह अफ़ज़ा बना के देते हैं। और हाँ, गर्मी काफ़ी सख्त हो गई, अभी सूरज थोड़ा सा ही ऊपर आया और गर्मी काफ़ी सख्त हो गया है, गर्मी लगना स्टार्ट हो गया, धूप है, इसलिए धूप से बचने के लिए ना हम इस साइड पर लगा रहे हैं कपड़ा। और इसको देखें, जो सा ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं होता वो लगाना है। अभी इधर थोड़ा आइडिया उडिया करके ना तार तूर से बांधते हैं, अभी कपड़ा ऊपर पड़ा हुआ है, कपड़ा छपड़ा लाते हैं और कपड़ा लगाने की तैयारी करते हैं। ये पकड़ो, मारो उसे, बस मारो 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 उसे, मारो उसे, यसे। कपड़ा तो ये पड़ा है, कपड़ा मिल गया, इसको निकालते हैं बाहर, इसको ऐसे बिछा देती हैं। अब ढूंढनी है तार, तार इधर ऊपर पड़ी हुई है ममते के, इसके ऊपर तार निकालते हैं, इसके ऊपर चढ़ के तो ये पड़ी। ये मिल गई तार, जो सा कपड़ा ना वो हम यहाँ से नीचे फेंकेंगे तार के साथ बांध के, तो फिर तार को ना हम इधर के बांध देंगे, तो तार ना उसे जोर से पकड़ के रखेगी कपड़े के, तार को हमने नीचे भी बांधना है। सारा कुछ आपको बताता हूँ कपड़ा बांधने के साथ साथ। जो सी तार थी ना उसको हमने कपड़े के सुराख में से ऐसे से निकाला है, अभी मजबूत हो गया, पैर छुट कर लिया सारा, अब यहाँ से फेंकते कपड़े को नीचे, कपड़े को नीचे फेंक दिए, कपड़ा इधर से वो नीचे गया है, शंकी अपना वो बैठा हुआ है, कपड़ा कुछ इस तरह का लगा हुआ है, एक साइड को ना उस तरफ से बांध दिया, और ये जो सा इसका सिर है ना इसको इसके साथ बांध देंगे इधर, और इसको घुमा देना ऐसे 3-4 दफ़ा, ये हो गया टाइट ये, और एक तार के सिरे को इसके साथ बांध दिया, यानी काम डन हो गया। अब चलते हैं नीचे और मैं नीचे से आपको जाके दिखाता हूँ। तो कपड़ा कुछ इस तरह से बांधा, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। शंकी को देखें, शंकी को अभी जब धूप नहीं आएगी इधर बैठेगा छांव में मेरा शंकी, ये देखें इस साइड पे ये गैप ना नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा इसको ना राइट साइड पे होना चाहिए था, तकरीबन 1 फुट। इसको बाद में सेट करेंगे, फिलहाल कपड़े वाला काम डन हो गया। बालू शंकी को चमड़ गया, शंकी को मैं तो थोड़ी देर बांध दूंगा, बेचारे इधर खेले हो खुले होके, फिर जब इसके पास धूप आएगी ना तो मैं इसको कपड़े वाली साइड पे ले आऊँगा, कपड़े के नीचे, फिर जो खूब खेलेगा। और पीछे टन टन की आवाज़ आ रही है ना, यानी ये मेरे शंकी के लिए रूह-अफ़ज़ा बांध रहा है, रूह-अफ़ज़ा मिक्स हो रहा है। और वैसे आज ना गर्मी काफ़ी सख्त होने वाली है, पता चल रहा है, अभी 7:30 हुए हैं और गर्मी एंड की पड़ रही है। ये शंकी का रूह अफ़ज़ा डाल दिया, पहले इसका भालू निकालते हैं जो इसके गले में फंसा हुआ है, ये निकल गया, अब इसको देते हैं रूह अफ़ज़ा। टन टन, ये मेरे शंकी का रूह अफ़ज़ा, अगर फेंका ना आइंदा नहीं दूंगा, फेंका आइंदा नहीं दूंगा, पी लो शाबाश पी लो। ओए, इसने फिर से फेंक दिया रूह अफ़ज़ा, मेरे ख्याल से ये पता है ऐसा क्यों करता है, मेरे ख्याल से इसका इस कोली में ना मुँह नहीं आता, ये जो उनसे कोली है ना ये बॉटल को काट के बनाई हुई, पहले हमने इसके लिए प्लास्टिक की कोलियाँ रख के दी है इसके काफ़ी, पर ये ना ऊपर से नीचे फेंकता है और वो ना टूट जाती हैं, इसलिए हमने ये बॉटल वाली है, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल है, ये रखी हुई है इसके लिए। अब नीचे फेंक के तो रूह अफ़ज़ा पी रहा है। और जो उनसे आप मेरे पीछे साइकिल देख रहे हैं ना, मेरी साइकिल की पिछले दिनों हालत काफ़ी ख़राब रही है, इसका ना चेन टूट गया था और इसका जो उनसे हैंडल है ना ये ख़राब हो गया, चेन तो मैंने ठीक करवा लिया था, पर हैंडल है ना, हैंडल के जो से पेच है वो एलकी वाली है, तो मेरे पास एलकी वगैरह नहीं थी, तो मैंने अपने महल्ले के लड़के से ना एलकी वाला उसका टूल की कोई किट थी तो वो मैंने मंगवा ली, वो मुझे दे गया, भी मेरे पास है, ये पड़ी हुई है, तो इसमें जो टूल्स है ना वो साइकिल के पेच को लग जाएंगे। तो अब थोड़ी साइकिल सेट करते हैं, इसकी 2-3 चीज़ें और सेट होने वाली है, इसके पीछे से ना पेच टाइट होने वाली है, ये वाली ये भी लूज़ हैं, ये सारे पेच ये भी लूज़ हैं, ये ज़्यादा लूज़ हैं, और जो से इसके हैंडल के पेच हैं ना ये भी काफ़ी लूज़ हैं, जिसकी वजह से हैंडल हिल रहा है, ये देखें
कितना ज़्यादा हीट है। बाकी साइकिल की सीट भी फट गई है, ये भी चेंज करवाएंगे इंशाल्लाह, और भी एक दो काम करवाने हैं, वो फिर कभी करवाएंगे। फिलहाल अभी इनके मदद से ना साइकिल सेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल एक बार फिर से सेट हो गया है। अब मैं आपको टूल किट बताता हूँ, टूल किट कैसी है। ये है भाई टूल किट जिनका हमने इस्तेमाल किया है, और जिस टूल की हमें ज़रूरत थी ना वो ये वाला है। इसका आगे से मुंह देखें कैसा है, आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं आपको साइकिल के बताता हूँ पेच कैसे हैं। ये देखें इस तरह के हैं, इसके लिए ये एलकी की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर जो पाकिस्तान में पेच या नट वगैरह होते हैं ना, वो चार मुँह वाले होते हैं, दो मुँह वाले होते हैं, वैसे पेच इस्तेमाल होते हैं। तो जो से दूसरे मुल्क होते हैं ना उनके ये ज़्यादा है एल के वाले पेज, ये ज़्यादा से बेहतर रहते हैं। और अब इस टूल किट को बंद करते हैं। ये जो से टूल किट है ना, ये कुछ इस तरह से बंद होती है, देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है यार। ये इसका ढक्कन है और इसको इधर बंद कर देते हैं। देखें छोटी सारी डब्बी है पर कितने काम की चीज़ है। वैसे हर घर में ना ऐसी टूल किट्स वगैरह होनी चाहिए, ये काफ़ी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो भाई ये भी काम डन हो गया, जो जो साइकिल के पेज टाइट करने वाले थे वो सारा कुछ डन हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस तरफ से प्लेन जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर शंकी देखें कैसे देख रहे हैं। और जो सी आपको चीज़ दिखानी थी वो है मेरे शूज़, क्योंकि जिस चीज़ की मैं केयर कर रहा था ना, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जिस चीज़ की मैं केयर करता हूँ ना वो यार सबसे ज़्यादा मुझे दुख पहुँचाती है। पता क्या हुआ है, ये शूज़ ना वो सामने शूज़ स्टैंड पे पड़े हुए थे, तो अपने शंकी जनाब पहुँचे हैं उधर, लंबी टांग करके शूज़ वहाँ से उठाता रहता है, पकड़ता रहता है। अगर इसे थोड़ा सा इधर करके बांधो तो यहाँ से ये वाईफाई की तार उतार लेता है, अगर इसे उधर बांधो तो वहाँ से मशीन के साथ खेलना शुरू हो जाता है शूज़ वाले स्टैंड से शूज़ उठा के फेंकना शुरू कर देता है, फाड़ना शुरू कर देता है, नीचे फेंकना स्टार्ट कर देता है। अगर इसे इधर बांधो तो इधर से घर वालों को चाप मार के पकड़ता रहता है, नाखून मारते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ इसने मेरे शूज़ के साथ क्या किया है। वो तो शुक्र है मैंने इसको जल्दी देख लिया था कमरे की विंडो से, शूज़ पकड़ के खेल रहा था, मारा था जोर से नीचे। ये देखें इसने ज़्यादा नुकसान तो किया नहीं है, ये वाला शूज़ बिल्कुल ठीक है, शुक्र है ये वाला शूज़ बिल्कुल ठीक है। इसने ये जो से मेरे शूज़ है ना इसके लेसिस खा लिए यहाँ से, ये देखें ये भी खा लिया है, और उल इधर से तो उतार ही दिया इसने सारा, वो लगाव था पता नहीं वो किधर गया है। इस साइड पे लगाव था जो लेसिस के ऊपर कवर होता है ना, वो लगाव था, वो पता नहीं किधर अब चला गया मेरे से। पर इस चीज़ की मैंने बड़ी केयर की है, पर शंकी ने भी अपना काम दिखा दिया। पर खैर शंकी तो अपनी जान है, शंकी को देते हैं आइसक्रीम। ये पड़ी भी है शंकी की आइसक्रीम, और ये जो उनसे आप चीज़ें देख रहे हैं ना बॉटल, ये मैं आपको बताता हूँ। जो उनसे आपने फ्रीजर में बॉटल देखी है ना वो स्कूल के अंदर रखते हैं, मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया ना, हाँ दिखाया ना आपको, इसके अंदर आती हैं ये बॉटल्स। उन बॉटल्स के अंदर ना पानी वगैरह नहीं भरा हमने, उसके अंदर हमने पढ़ा वो ना केमिकल है, वो केमिकल को ठंडा रखना है हमें, फ्रीजर में रखना है, फ्रीजर में रख के फिर जब इसके अंदर रखोगे ना तो एसी जैसे ये कूलर हवा फेंकेगा। क्या यार क्या टेक्नोलॉजी है। शंकी के आइसक्रीम खोल दिया पर थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गया, पता नहीं क्यों जमी नहीं सही से। मेरा भी काफ़ी खाने का दिल कर रहा है, एक बाइट ले लेता हूँ, ये तो पिघल रही है यार, गिर रही है। उधर शंकी मुझे गुस्से से देख रहा है, उसको देते हैं आइसक्रीम। ये लो, ओए नहीं आप गिरा दोगे, मैं आपको ना इसके अंदर रख के देता हूँ ऐसे, ये लो। ना 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 देखा, इसीलिए कह रहा हूँ इसके अंदर रख के खाओ, अच्छा नहीं लेता। Five hours later. अभी टाइम है शंकी को ग्राउंड में लेके जाने का,
ये देखें, चलो तेरी चिड़िया पकड़ लिया इसने। ओए यार, ओए होए, अभी शंकी ने चिड़िया पकड़ ली थी, चिड़िया मर गई है, उसने काफी जोर से पकड़ ली थी, उसका खून निकला तो मर गई है। काफ़ी यार दुख हुआ कसम से, आज से सारा दिन हराम कर दिया शंकी ने। अब ऐसा करती है, मैंने ये लिया है, इसको ना दफन करके आते हैं। हाँ, चिड़िया को इधर दफन करते हैं इस साइड पे। तो भाई चिड़िया के लिए कब्र खोद दी है, चिड़िया मार दी शंकी ने यार, काफी दुख हुआ है, अब इसे यार दफन करते हैं। चिड़िया को मैंने छापर में रैप किया है, इसको ऐसे रख देते हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ऊपर मिट्टी डाल देती हैं। चिड़िया को तो दफन कर दिया है, अब इसको ग्राउंड लेके जाना, नहीं तो इसने सारा दिन गुस्से में रहना, नाराज रहना। ये देखें, चल शंकी से वैसे मैं नाराज हो गया, एक दो दिन के लिए इसे नाराज रहना, इसने बहुत गलत किया यार। चल चल, ये गाड़ी आजा आजा, चिड़िया मारिए तूने आज, मैं तेरे से नाराज हो गया हूँ। अभी शंकी मेरे साथ साइकिल पे बैठा हुआ है, ये देखें कितने आराम से बैठा हुआ है, चिड़िया को मार के। इसको बुलाने का मेरा दिल नहीं कर रहा आज। अभी शंकी बैठ गया साइकिल पे और मैं इसको इस रोड से ना चक्कर करवाता हुआ घर लेके जा रहा हूँ। किधर जा रहा है, आगे जा, ये देखें बैठ के तो नज़ारे ले रहा है और चिड़िया ढूंढ रहा है। तो पता है इसकी वीडियो बन रही है। चिड़िया ढूंढ रहा है और चिड़िया मार दिया, काफी यार दुख हुआ है, इसने आज कत्ल किया चिड़िया का। ये आ गया अपनी कॉलोनी में। हाँ जी अंकल जी, बंदर इसने बिल्ली देख ली है, घर पास आ रहा है, आगे होके बैठ गया। घर आ गया पता है, चल ऊपर, चल चल यार, चल ऊपर, लाइट ऑन रहने दे, इसको उधर बांध दो, इधर। One hour later. Oh shit! तूफान आ गया, एकदम तूफान आ गया। ओए होए होए, अपना ये बैठा हुआ डर गया शंकी भी, एकदम आंधी आ गई है।
तेज हवा चलना स्टार्ट हो गई है। अभी मैं ग्राउंड में आया हूँ और इस वक्त ना काफी तेज और खौफनाक आंधी आई है, तूफान आया है, हर जगह ना मिट्टी मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। कैमरा में यार दरख्त तो नजर नहीं आ रहे, पर दरख्त भी ना सारे बैंड हुए हुए हैं। उस साइड पे तो मुझे लग रहा है दरख्त गिरने वाले हैं, पर कैमरा में कुछ अभी सही नजर नहीं आ रहा। ये देखिए गाड़ी के आगे कितनी मिट्टी जा रही है, कितना तेज तूफान आया है। मेरे वो यार, मेरी शायद आपको आवाज ना आ रही हो ठीक से, पर काफी शोर है, लाइट भी चली गई है और मैं खैर कैसे घर पहुंची हूँ पता भी नहीं चला। एकदम तूफान आ गया और लाइट भी चली गई थी, अब आके तूफान था मैं और लाइट भी आ गई है, टाइम भी काफी हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। आज की वीडियो को मैं कर रही हूँ यहाँ पर ही खत्म, क्योंकि टाइम काफी हो गया और मुझे नींद आ गई है। नींद आ तो गई है पर नींद आनी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी अपसेट थी यार। शंकी साहब ने चिड़िया पकड़ लिया, पहले ना वो ग्राउंड में जाने के लिए चीख रहा था कि मुझे ग्राउंड लेके जाओ, मैं भी क्या एकदम चुप चुप क्यों किया और मुंह भी सर्फ कर लिए, तो जब उसके हाथ में देखा तो उसने चिड़िया पकड़ ली थी यार। वो चिड़िया को उसने पता नहीं दांत मारे हैं, चिड़िया के मुँह से खून के 3-4 कतरे निकले हैं और उधर ही थोड़ी तड़पी और मर गई थी। मुझे काफ़ी यार दुख है, कसम से जहन से नहीं निकल रहा, पर क्या करें यार, दोनों बेजुबान चीज़ें हैं, दोनों बेजुबान मखलूक हैं, इनका क्या दुख करने। पर यार आज की रात काटना काफ़ी मुश्किल है। आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का शेर है कि हौसला बहुत है मुझ में पर लाजिम तो नहीं, कि हौसला बहुत है मुझ में पर लाजिम तो नहीं, कि हर बार मैं आजमाया जाऊँ आखिरी हद तक। अल्लाह हाफिज़।